हम इस समय गन्ना भवन में मौजूद हैं और गन्ना भवन में मौजूद हैं किनौनी मिल क्षेत्र से जुड़े हुए सैकड़ों किसान जो अपने गन्ना भुगतान को लेकर इतने दुखी हैं कि कई सालों से किनौनी मिल ने एक साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि समय पर भुगतान कर दिया हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर किसान बार बार गन्ना भवन पर आते रहते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर बिजेंद्र प्रमुख जी हमारे बीच में आए हैं, इनसे बात करते हैं। आज ये किस मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं? प्रमुख साहब, क्या समस्या है मुख्य रूप से आज आप ले रहे हैं? मुख्य रूप से पिछले 8-10 वर्षों से किनौनी चीनी मिल ने किसानों का गन्ना भुगतान समय से नहीं किया और भुगतान करने के अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि बीज जो है वो 1700 रुपये कुंटल 1800 रुपये कुंटल, दवाई अगर किसानों को कीटनाशक दी तो नकली और वो भी तेज भाव में, कोई सब्सिडी या कोई डेवलपमेंट का कार्य इस चीनी मिल द्वारा नहीं कराया गया। हमारी किसानों की सबकी ये मांग है कि हमारा भुगतान, इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें या आरसी जारी करें, ब्याज सहित हमारा भुगतान होना चाहिए और इस चीनी मिल को फिर भी उसके बाद भी किसान गन्ना देना नहीं चाहते, इसलिए इसके क्रिया केंद्र गन्ना किसान के जो क्रिया केंद्र है वो काट कर उन चीनी मिलों का आवंटित कर दिया जाए जो चीनी मिल समय से भुगतान करती है, समय से गन्ना खरीदती है। तो यहाँ अधिकारियों के स्तर से कोई आश्वासन मिला? अभी हाँ, डीसीओ साहब आए थे, अभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अभी डीसीओ साहब और डिप्टी सीसी साहब दोनों आएंगे, उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो किसान गन्ना आयुक्त कार्यालय लखनऊ में धरना देगा और बजाज भवन पे भी धरना देगा। और ये हमारी मांगे हैं कि गन्ना मूल भुगतान हो और बीज जो है वो हमें उस भाव मिले जिस भाव हमारा गन्ना खरीदा जाए। इस समय जो यहाँ किसान मौजूद हैं, इनमें दोनों जिलों के किसान हैं या केवल मेरठ जिले? मेरठ जिले का किसान है, बागपत जिले के भी कुछ किसान हैं, मुख्य रूप से मेरठ जिले, मेरठ के। और किनौनी मिल के सप्लाई है, काफी लंबे समय से भुगतान समय से न करने के कारण किसान अब इनसे पूरा मोह भंग हो चुका है, मोह भंग हो चुका। किनौनी मिल की समस्याओं को लेकर किसान कितने आहत हैं, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, इसी बात को हमारे सामने रख रहे हैं आलमगीरपुर से आए चौधरी सतपाल सिंह। आइए उनसे बात करते हैं, वो इस मिल के लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। सतपाल सिंह जी। हाँ जी, हम वास्तव में किसान इतने दुखी और परेशान हैं कि जब हम मजदूरी देते हैं या अपने माल की लागत लगाते हैं, हमें रोज पैसे की जरूरत होती है। मिल तो बड़े मालिक हैं, उनके पास तो क्षमता है, लोगों को पैसा समय पर क्यों नहीं देते? यहाँ बेइज्जती होती है लोगों की, जो मजदूर गर्दन पकड़ कर किसान का पैसा मांगने की रखते हैं, इसमें तोहीन हमारे पूरे समाज वर्ग की है टोटल। इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है, इसमें आपकी भी बेइज्जती हो रही है। हम कहेंगे जी हमें बजाज पैसे नहीं दे रहा और मजदूर हमारा गला पकड़ के कह रहा है भाई मैं तो पैसे लूंगा, अभी गलती भी कुछ नहीं है। जब अपनी 100 ग्राम चीनी भी आप डीडी पहले ले करके बेचते हो तो हम किसान अपना माल कैसे ना आपको उधार कैसे दे दे, बताओ? क्या हम इतने बड़े साहूकार हैं? हम तो खुद ब्याज भुक्त भोगी हैं। हमारी जी, आपको क्या लगता है मिल ऐसा क्यों कर रहा है बार बार, हर साल भुगतान में इसको इतना विलंब करके चलता है? हमें तो बजाज साहब की नीयत में खोट लग रहा है। किनौनी मिल की भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर कई सालों से जूझ रहे ये किसान एक बार फिर गन्ना भवन पहुंचे हैं। बिजेंद्र प्रमुख के नेतृत्व में आने वाले किसान बार बार एक ही मांग रखते हैं कि या तो हमें किनौनी मिल से भुगतान की व्यवस्था समय से कराई जाए या फिर हमारे जो गन्ना खरीदने की व्यवस्था है वो दूसरे मिलों को दी जाए जो समय से भुगतान करने वाले हैं। आज फिर किसानों ने अपनी इसी मांग को उपगन्ना आयुक्त के समक्ष रखा है। उपगन्ना आयुक्त का कहना है कि वो किसानों के ज्ञापन को लखनऊ मुख्यालय भेजेंगे, इस संबंध में जो भी निर्णय होगा वो लखनऊ से होना है। कैमरामैन समीर राणा के साथ शाहिद मिर्जा, जनवाणी न्यूज़।